जय अघोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मैं तांत्रिक साईदास नवरात्रि का ढेर सारी मुबारक पहले से ही सबको दे रहा हूँ। नवरात्रि कुछ ही दिनों में आने वाला है। सारे साधक सारे साधिकाएं जितने भी तांत्रिक है साल भर का मेहनत साल भर का इंतजार नवरात्रि के लिए ही होता है, क्योंकि ये सारा दिन नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि में काफी अंतर है। शक्तियाँ बहुत ही तेज रूप धारण करते हैं नवरात्रि में, सिर्फ तांत्रिक शक्तियाँ नहीं, धार्मिक मान्यता के हिसाब से नवरात्रि को बेहद ही ज़्यादा प्रावधान दिया गया है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। माता की नौ रूप में पूजा पाते हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग देवी के हिसाब से। बात आज करने वाला हूँ माता कालिका का एक बेहतरीन सा सुरक्षा मंत्र। ये सुरक्षा मंत्र जो मैं आज देने जा रहा हूँ बेहद ही ज़्यादा ताकतवर है, इतना ताकतवर है और इतने काम में आता है ये आप कभी सोच नहीं सकते हो। लेकिन शर्त है कि ये सिर्फ हिंदू सनातनी धर्मी जितने भी सनातन धर्म को मानते या हिंदू लोग हैं वही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो विधि विधान यही है। वैसे तंत्र में कोई जात पात धर्म नीति कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन खास करके ये मंत्र में सनातनी धर्मी के लिए वर्णन किया गया है। तो मंत्र एक छोटा सा है, साबर मंत्र है, वो भी अढ़ैया, जो सबसे साबर मंत्र को भी पांच भाग में विभक्तिकरण किया गया है। डार साबर भर भर जागे, जागे अढ़ैया और बराट। ठीक है, सबसे जो आखिर और ताकतवर मंत्र है वो अढ़ैया साबर मंत्र कहा जाता है, और उन्हीं अढ़ैया साबर मंत्र में से ये एक गिने चुने अढ़ैया साबर मंत्र की एक सुरक्षा मंत्र है। ये सिर्फ सुरक्षा मंत्र का कहना गलत होगा। पहले इसका जो लाभ है, इस मंत्र को सिद्ध करने वाला व्यक्ति क्या क्या लाभ उठा सकता है उस बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम जो व्यक्ति डरपोक स्वभाव का है, छोटे छोटे धमकियों से डरने वाला व्यक्ति, रास्ते में जा रहा है सुनसान रास्ता देखकर डरने वाला व्यक्ति, रात्रि में डरने वाला व्यक्ति, अकेलेपन से डरने वाला व्यक्ति यानी अंधेरे से डरने वाला व्यक्ति, उनके लिए एक तरह का वरदान है। ये मंत्र सिद्धि के पश्चात मुख में एक बार उच्चारण के बाद आपकी अंदर एक तरह का स्फूर्ति आ जाएगा, डर कहीं ना कहीं मिट जाएगा पूरी तरीके से। और जो व्यक्ति गलत सलत बोलते हैं सभा में, उनके मुख से हमेशा उल्टा सीधा बात ही निकलता रहता है, वो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करे, जाप कर कर सभा में गए या किसी भी स्थान में गए तो उनके अंदर एक तरह का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनकी बातों में एक तरह का स्थिरता आएगा, लोग उस बातों को गौर से सुनना पसंद करेंगे। जब बात सुनने लायक होगा तब सुनने के लोग सुनना पसंद ही करेंगे। और क्या काम करता है, साधकों के लिए ये अचूक वरदान है। किसी भी तरीके का सात्विक साधना हो या तामसिक साधना हो, ये दोनों तरीके से सुरक्षा मंत्र यानी शरीर सुरक्षा और सुरक्षा घेरा दोनों एक ही मंत्र से आप निर्माण कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि के पश्चात इस मंत्र को सिद्धि के पश्चात किसी भी स्थान को भी आप किसी भी स्थान को आप किलित कर सकते हैं। जैसे हो गया आपके घर, आपके गौशाला, जैसे गौशाला में सांप वगैरह घुस जाते हैं, कभी कभार गाय को मार देते हैं, घर में जैसे बुरी शक्तियों का वास करने लग जाते हैं कई कई बार, इसलिए घर को भी किलित कर सकते हैं। तांत्रिकों का नजर आपके घर के ऊपर है तो घर को किलित करने के बाद बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इतने सारे फायदे, और वो भी एक रात्रि में सिद्ध होने वाला मंत्र है। ज्यादा माला की जप करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 11 माला। ये माता कालिका का एक मंत्र है। सबसे पहले मैं आप सबको मंत्र सुना देता हूं, फिर उसके बाद विधि विधान सुनाऊंगा। मंत्र को भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने के लिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम कालिका का खड़क बाली ज्योत, तेरी है निराली
पीती भर भर रक्त की प्याली, करे भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं। ओम कालका की खड़क बाली ज्योत, तेरी है निराली पीती भर भर रक्त की प्याली, करे भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। किसी भी नवरात्रों में, यानी नवरात्रों की 9 दिन है, 9 में से किसी भी रात्रि में आप सिर्फ 11 माला जप करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति सोचेगा कि गुरुजी मैं तो 9 के 9 दिन जाप करूंगा, इसका अलग से लाभ है। 9 के 9 दिन जाप करने वाला व्यक्ति जीवन भर के लिए, वह जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक इस सुरक्षा मंत्र का लाभ उठा सकता है, लेकिन एक रात्रि जाप करने से ही ये सिद्ध हो जाता है। सिर्फ 11 माला, कौन सी? संस्कारित रुद्राक्ष की माला में। और जाप करते वक्त आपकी जो मुख होगा वो पूरब की ओर रहेगा, और आपके सामने माता कालिका का एक तस्वीर या छोटे से उंगली के बराबर या उंगली उससे कम फोटो रख सकते हैं, या मूर्ति रखकर घर में सामान्य पूजन करें। कोई व्यक्ति चाहे तो पंचोपचार पूजन भी कर सकता है, और चाहे तो सिंगर भी दे सकता है माता को। और भोग में क्या रखना है? मीठे पान रखना है, और चाहे तो मिठाई भी रख सकते हैं साथ में। कितनी आसान सा विधि है। नवरात्रि में वैसे भी हर कोई साधना करता रहता है, कोई भी साधना कर रहा है, एक बार इसे करके देखिएगा। चमत्कार देखने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है, ये आसान से एक दिन का ही है। थोड़ा बहुत मेहनत करके अपने आप को या अपने परिवार को हमेशा के लिए आप सुरक्षित बना सकते हैं। और भी अच्छा रहेगा ये रुद्राक्ष की माला लेके, संस्कृत रुद्राक्ष की माला लेके माता के मंदिर में जाके माता को प्रणाम करके उनके सामने एक मीठे पान के रख के माता के मंदिर में बैठ के अगर 11 माला जाप करें तो और भी ज्यादा चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी खास बात यह है, ये साधना को मेरे जितने भी शिष्य ने किया है उसका भरपूर लाभ उठाया है, इसीलिए मैं आज आप सबके सम्मुख रखा हूं, क्योंकि सामने नवरात्रि आ रहा है। हाँ, ये साधना में आसन और वस्त्र काला रहेगा, सब नवरात्रि का आनंद उठाए, और जो हमारी तरफ से साधनाएं दिया गया है उसका लाभ भी उठाए। जय योग हो राणू।